बॉलीवुड की स्टाइलिश अभिनेत्री सोनम कपूर लंबे वक्त से फिल्मों से दूर है। इसके पीछे वजह पहले उनकी शादी रही और उसके बाद उनका बेबी। अब आखिरकार सोनम कमबैक कर रही हैं। उनके फैंस भी उनको देखना चाहते हैं। काफी वक्त से वो अपनी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ब्लाइंड को लेकर के भी चर्चा में है। फिल्म की शूटिंग में सोनम ने काफी वक्त बिताया है और पोस्ट प्रोडक्शन में भी पूरी तरह इन्वॉल्व रही। ये फिल्म OTT पर रिलीज करने का प्लान बनाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक फिल्म के निर्माताओं को कोई खरीदार नहीं मिल रहा। जी हाँ, ये बड़ा शौक इसलिए भी है क्योंकि सोनम कपूर इसे लेकर के बहुत उत्साहित थी और कॉन्फिडेंट भी। उन्हें लग रहा था कि ये फिल्म अच्छा काम करेगी और हाथों हाथ बिक जाएगी। आपको बता दें, ब्लाइंड एक कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इसका रीमेक किया जा रहा है। सोनम कपूर इसमें लीड रोल में है। दरअसल 40 करोड़ में इसके OTT राइट्स बेचना चाहते हैं निर्माता, लेकिन इतना पैसा भी कोई नहीं दे रहा है। OTT पर अब तक ब्लाइंड को कोई खरीदार नहीं मिला और यही वजह है कि इसे लगातार पोस्टपोन किया जा रहा है। पहले इसे थिएटर्स में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना के बाद जो ज़्यादातर फिल्मों का हश्र हुआ है, उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया कि इसे OTT पर ही रिलीज़ किया जाएगा। आखिरी फिल्म सोनम कपूर की 2019 में आई द जुआ फैक्टर थी, जिसने कमर्शियली कुछ खास नहीं किया। अब देखना यह है कि ब्लाइंड कब दिन की रोशनी देख पाएगी।